नमस्कार। ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत आज के इस लेक्चर में हम स्मिथ चार्ट के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन लाइन के पार्ट फर्स्ट के लेक्चर में हमने यह जाना कि ट्रांसमिशन लाइन पर वोल्टेज और करंट वेव फॉर्म में प्रोपेगेट करती हैं और उनके लिए वोल्टेज और करंट के वेव फॉर्म में इक्वेशंस को हमने जाना था। यहाँ पर हम इन इक्वेशंस का उपयोग करके ट्रांसमिशन लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्मिथ चार्ट के रूप में समझेंगे। वोल्टेज और करंट के इक्वेशंस ट्रांसमिशन लाइन के किसी पॉइंट पर हम समीकरण एक और दो द्वारा यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, जिनके की मान V इक्वल टू वी एल कॉस हाइपरबोलिक गामा जेड माइनस आई एल जेड जीरो साइन हाइपरबोलिक गामा जेड। करंट के इक्वेशन I इक्वल टू आई एल कॉस हाइपरबोलिक गामा जेड माइनस वी एल अपॉन जेड जीरो साइन हाइपरबोलिक गामा जेड। इक्वेशन वन और टू में वी एल एंड आई एल लोड इम्पिडेंस की पोजिशन पर वोल्टेज एंड करंट की वैल्यूज हैं तथा जेड जीरो ट्रांसमिशन लाइन का यहाँ पर करैक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है। अब हम ट्रांसमिशन लाइन के किसी पॉइंट Z इक्वल टू L पर या इनपुट एंड पर हम वोल्टेज और करंट की वैल्यूज को Vs और Is से यदि डिनोट करें तो यहाँ पर जैसा कि हमने इक्वेशन में इनको अंडरलाइन करके एरो मार्क से दिखा रखा है और एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए अटेनुएशन कांस्टेंट अल्फा इक्वल टू जीरो होगा एंड गामा इक्वल टू जो कि अल्फा प्लस जे बीटा होता है उसको हम गामा इक्वल टू जे बीटा से लिख सकते हैं। इस प्रकार इक्वेशन वन और टू में जनरेटर एंड पर जहां जेड इक्वल टू माइनस एल होगा वहां पर हम जेड इक्वल टू माइनस एल और गामा इक्वल टू जे बीटा यदि सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन वन और टू हमें इनपुट एंड पर वोल्टेज एंड करंट की वैल्यूज Vs एंड Is प्रदान करती हैं जो कि Vs इक्वल टू वी एल कॉस बीटा एल प्लस जे आई एल जेड जीरो साइन बीटा एल से दिया जाएगा, वेयर वी एल इज ऑल्सो गिवन बाई आई एल इंटू जेड एल। सिमिलरली द करंट एट द इनपुट एंड आई एस इज गिवन बाई आई एल कॉस बीटा एल प्लस जे वी एल अपॉन जेड जीरो साइन बीटा एल। अब हम वी एस और आई एस के रेशो द्वारा ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट इम्पिडेंस जेड एस फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज गिवन बाई जेड एस इक्वल टू वी एस अपॉन आई एस। इसमें ऊपर वी एस और आई एस की जो वैल्यूज हमने ज्ञात की हैं उनको यदि हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें जेड एस इक्वल टू जेड जीरो इंटू जेड एल प्लस जे जेड जीरो टेन बीटा एल अपॉन जेड जीरो प्लस जे जेड एल टेंजेंट बीटा एल के रूप में इक्वेशन थ्री से हमें इनपुट इम्पिडेंस जेड एस की वैल्यू मिलती है। हमने पहले वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस को इस फॉर्म में भी पढ़ा है जो कि V इक्वल टू ए रेस टू द पावर माइनस गामा जेड प्लस बी रेस टू द पावर प्लस गामा जेड एंड करंट की वैल्यू I इक्वल टू वन अपॉन जेड जीरो इंटू ए रेस टू द पावर माइनस गामा जेड माइनस बी रेस टू द पावर प्लस गामा जेड से दिया जाता है, जहाँ पर कि V और I की ये जो इक्वेशंस हैं इनमें
फर्स्ट टर्म इंसिडेंट वेव को एंड सेकंड टर्म जिसका कोफिशिएंट बी है वो रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस प्रकार इनपुट एंड पर जहां जेड इक्वल टू डिस्टेंस जेड इक्वल टू माइनस एल है वहां पर हमें वी एस इक्वल टू ए इरेस टू द पावर प्लस गामा एल प्लस बी इरेस टू द पावर माइनस गामा एल के रूप में, या जिसमें से हम यदि यहां पर ए इरेस टू द पावर गामा एल कॉमन ले लेते हैं तो हमें वन प्लस गामा एल इरेस टू द पावर माइनस ट्वाइस गामा एल, एंड सिमिलरली करंट की इक्वेशन आई एस के रूप में हमें ए इरेस टू द पावर गामा एल अपॉन जेड जीरो इंटू वन माइनस गामा एल इरेस टू द पावर माइनस ट्वाइस गामा जेड। यहाँ पर यह टर्म गामा एल हमने रिफ्लेक्शन कोफिशियंट के लिए लोड एंड पर यूज़ की है जिसकी वैल्यू बी ओवर ए से दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव एंड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव के रूप में इसका मान दिया जा रहा है जो कि जेड एल माइनस जेड जीरो अपॉन जेड एल प्लस जेड जीरो के द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार इक्वेशन सिक्स में हमने रिफ्लेक्शन कोफिशियंट डिफाइन किया है। इस रिफ्लेक्शन कोफिशियंट की वैल्यू को यदि हम इनपुट इम्पिडेंस ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करें तो जेड इन इनपुट इम्पिडेंस इज गिवन बाई द रेशो ऑफ वी एस एंड आई एस एंड इट इज इक्वल टू जेड जीरो इंटू वन प्लस गामा एल इरेस टू द पावर माइनस ट्वाइस गामा एल अपॉन वन माइनस गामा एल इरेस टू द पावर माइनस ट्वाइस गामा एल से दिया जाएगा जो कि इक्वेशन फोर और फाइव को डिवाइड करके हमने यहाँ पर प्राप्त किया। यहाँ पर हम एक रेशनलाइज्ड इम्पिडेंस जेड इन फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि जेड इन अपॉन जेड जीरो से दिया जाता है। इसको हमने जेड इन इंटरसेक्ट करके शो किया है विच इज गिवन बाय नाउ वन प्लस गामा अपॉन वन माइनस गामा एंड शोन इन इक्वेशन नंबर सेवन वेयर दिस न्यू टर्म गामा विच इज ऑल्सो ए रिफ्लेक्शन कोफिशियंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई गामा एल ई रेस टू द पावर माइनस ट्वाइस गामा एल। नाउ इफ यू प्लॉट द इम्पिडेंस इन द जेड प्लेन देन जेड प्लेन मीन्स इम्पिडेंस प्लेन इन विच द इम्पिडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई आर प्लस जे एक्स वेयर आर इज द रेजिस्टिव पार्ट ऑफ द इम्पिडेंस एंड एक्स इज द रिएक्टिव पार्ट एंड इन जेड प्लेन वी कैन शो इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बाई टेकिंग रेजिस्टेंस आर ऑन द एक्स एक्सिस एंड रिएक्टेंस एक्स ऑन द इमेजनरी एक्सिस। सो टू प्लॉट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इम्पिडेंस वैल्यूज इन द जेड प्लेन ए सेमी इनफाइनाइट शीट विल बी रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ऑल पॉइंट्स ऑफ इंक्रीमेंट। नाउ ऑन द अदर हैंड इफ यू प्लॉट ए गामा प्लेन बिकॉज द वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्शन कोफिशियंट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्शन कोफिशियंट इज ऑलवेज लेस देन वन और इट्स मैक्सिमम वैल्यू मे बी इक्वल टू वन सो इट स्पेसिफाइज ए वन टू वन कोरस्पोंडेंस बिटवीन द गामा एंड द रेशनलाइज्ड इम्पिडेंस जेड इन गिवन बाय इक्वेशन सेवन एंड ऑल वैल्यूज ऑफ द रिफ्लेक्शन कोफिशियंट एंड इम्पिडेंस विल लाई विद इन दिस सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस। नाउ लेट अस एज्यूम दैट गामा इज इक्वल टू रो ई रेस टू द पावर जे थीटा वेयर रो इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशियंट गामा
एंड एट द लोड एंड गामा एल इज गिवन बाई रो एल ई रेस टू द पावर जे थीटा एल. From equation 7, the rationalized input impedance, which is the ratio of the input impedance Zn divided by the characteristic impedance Z0, and it is given by 1 plus gamma upon 1 minus gamma, and the rationalized impedance having resistive part small r and reactive part small x. So it may be represented by R plus Jx, और इसकी वैल्यू हमें 1 plus rho e raised to the power j theta upon 1 minus rho j theta मिलती है, जैसा कि थीटा किसी पॉइंट पर इसका फेज एंगल है एंड rho इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्शन कोफिशियंट. सो इन गामा प्लेन और इन rho theta प्लेन the contours of constant R value, constant resistance and constant reactive values, that is constant X. So these are circles and these may be plotted as a Smith chart. So here from the figure it can be seen that U, the new constant, the new coordinates U and V, we define here, which are given by rho cos theta and rho sin theta. So these are the rectangular coordinates in the gamma plane or in rho theta plane. So now the normalized load impedance is given by Z equal to 1 plus gamma L upon 1 minus gamma L, and its value is given by R plus Gx. Conversely, if we solve it to find out the value of gamma L, then it may be represented by 1 Z minus 1 upon Z plus 1. So in rectangular coordinates, gamma L have value U plus JV given by equation 13 here. In the figure, and now if in the equation of impedance Z given by equation 12, if we put the value of reflection coefficient gamma L in terms of U plus JV, then equation 12 gives us Z equal to 1 plus U plus JV upon 1 minus U minus JV, and it is equal to R plus Jx. So to find out, to separating this equation into real and imaginary parts, we multiply on the left hand side by the complex conjugate of the denominator term, and then when we simplify this and separate it into real and imaginary parts, then this gives us equation number 14 and 15 for the resistive value small r and reactive component x in terms of rectangular coordinates u and v. Also it can be seen here the u square plus v square is equal to 1, because the maximum value of the reflection coefficient is unity and gamma equal to u plus jv. So therefore the maximum value for gamma, which is greater than or equal to 1, this will give us the relation u square plus v square equal to 1. Now from equation 14, if we simplify equation 14, and similarly we will simplify equation 15 to find out the values of R and X by simplification and readjustment of the terms, this equation number 14 gives us the circle equation
given by u minus r upon r plus 1 whole square plus v square equal to 1 upon r plus 1 whole square. So equation 17 is a family of circles of constant r value for constant r values. Similarly, if we simplify equation number 15 and rearrange it, it will give us equation number 18. The complete derivation is given here. It is solved, and this gives us the relation u minus 1 whole square plus v minus 1 upon x whole square equal to 1 upon x whole square. So equation 18 is a family of constant r circles, constant x circles. Now equation 17 and 18, both are the equations of circles. One is for constant r circles, equation number 18 is for constant x circles, and both are family of circles, and these two equations gives us the basis of the Smith chart. In equation 17, the circles have their centers at r upon r plus 1 and 0, while the radius is 1 upon r plus 1. Similarly, in equation 18, for the constant x circles, the center is at 1 upon x here, and having the radius 1 upon x. Now, when equation 17 and 18 plotted on the gamma plane or on UV plot, it will gives us the basis of the Smith chart, and the relations between the voltage standing wave ratio S values and the reflection coefficient rho may also be used, and the relations already stated by us in our previous transmission line lectures as rho equal to S minus 1 upon S plus 1 and S equal to 1 plus rho upon 1 minus rho. Now we will see that how these different family of circles of constant r and constant x values can be plotted. So here we have tried to simplify this on these various circles. So it is shown in the figure. In rectangular coordinates, we have plotted on UV scale having unit radius. So all the values of the impedance and these r and x values are lie within the circle of unit radius. So the outermost circle is for r equal to 0, because in equation 17, if we put r equal to 0, then this equation converts to u square plus v square equal to 1. So it is a circle having center at 0 in this scale, in this graph, and having a radius unity. Now the other circles for constant r values, that is r equal to 0.2, 0.5, r equal to 1, 2, 3 and other values, all these are circles plotted here. All these circles intersect here at this point. This is the point where these circles intersect here. That is, at this point all circles intersect here. Similarly, the circles for constant x values may be plotted here. X equal to 0 is a straight line, and other x values, reactance values, are also plotted in this figure, where x equal to 1.0,
2.0, 0.5, similarly negative values for x equal to -1.0, -2.0, -0.5, these are plotted in this curve. Also, this curve may show values of standing wave ratio S values. The outermost circle is a circle for S equal to infinite value. Similarly, the other factors may also be shown on this figure. On the extreme left, there is a point which is called short circuit where ZL is 0. Similarly, the extreme right point on the U axis, this is open circuit for which ZL equal to infinity, and at the center point O is that point where ZL equal to Z0, means the line is matched or terminated line. So this figure in which we have shown here, this will become the basis of the Smith chart. Now the commercially available Smith charts are also available in the market, and we have shown one such graph here in this figure, in which there is a resistance scale and some other more interesting values. For example, the lower scale for standing wave ratio, reflection coefficients and other important values may also be plotted, and these can also be shown on the figure. Similarly, here this is the point 0, 0 in the figure here, and from this point if one moves towards generator, then in this direction this arrow shows the wavelength towards generator. We move in the clockwise direction from this point 0, 0. Similarly, if we move anticlockwise in the downward rotation direction, then this shows the values here, wavelength towards load. So towards load we move in anticlockwise, for towards generator, wavelength towards generator, we move on this curve in the clockwise direction. And for various R and X circles, these are shown, the wavelength range is also calibrated on this scale. So this Smith chart, this is the Smith chart, which is a very useful tool in electrical engineering, and this can be used to determine the unknown load impedance and admittance of any given transmission lines and other important problems related to the electrical engineering can also be solved with the help of this one. Thank you.